महिलाएं वो आती हैं जो यंग हैं, वो आती हैं जो नीचे तबके की हैं, वो आती हैं जो दलित हैं, ट्राइबल हैं, जो माइनॉरिटी से हैं, और वो अपने बलबूते पे आते हैं। उनको सिस्टम ने ही पढ़ने नहीं दिया। अपने आप से तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे घर में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, उनके परिवार ने ही टॉयलेट नहीं बनाया। हम वर्ल्ड में लार्जेस्ट हंग्री पीपल इन द वर्ल्ड लिव इन इंडिया। जब चुनके आती हैं तो वो पूरी तरह से अपनी पंचायत में जुड़ जाती। पंचायत राज को आए हुए कोई 50 साल नहीं हुए। आप मुझे बताओ कितनी महिलाएं पार्लियामेंट में धरने को चैलेंज करती हैं? जी नहीं करती हैं, क्यों? करके उनको हर हालत में लीडरशिप को बनाए रखना है। जी ये महिलाएं उस रास्ते को नहीं नाप रही हैं, अभी तक नहीं नाप रही हैं, क्योंकि वहां तो वो इंटरनल पॉलिटिक्स को भी झेलती हैं। अरे भाई, जिसने वोट दिए ना वो तुम्हारे साथ वाले घर में रह रहे हैं। हाँ, ये नहीं कि जिसने तुम्हें वोट दी है वो बिहार में वेस्ट चंपारण में बैठा हुआ और आप दिल्ली में पार्लियामेंट में बैठे हुए। जी आप कुछ करें या ना करें क्या फर्क पड़ता है? जी ये महिला कहती है बहन जी जिसने मुझे वोट दिया है ना वो रोज मेरे साथ हैंडपंप पे मुझे मिलती है। हाँ, वो रोज पूछेगी। एक रोजाना पर्सनल एक कनेक्शन बना हुआ है। अकाउंटेबिलिटी, दिस इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। तुम्हारी कहाँ है अकाउंटेबिलिटी? तुमको मैंने चुना है, कहाँ है पार्लियामेंट में लीडर्स की अकाउंटेबिलिटी? पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी अभी भी एक सवाल है, मेजर सवाल। लेकिन पंचायत और गांव के लेवल पे वो अकाउंटेबिलिटी एक रियलिटी है जी। और ऐसी रियलिटी है जिसे आप भाग नहीं सकते जी। आपने वो उसी कुएं पे पानी लेना है, उसी हैंडपंप पे जाना है, आपने उसी फॉरेस्ट एरिया से अपना फॉर्डर और वो इकट्ठा करना है, उसी से लकड़ी उठानी, वहीं बकरियाँ चरानी है। तो वो कहेगी भाई तूने कहा था मेरी बच्ची के लिए स्कूल खोलेगी, मेरी बच्ची तो अभी तक पेड़ पे लटक रही है, तू क्या कर रही है जी? वो सो नहीं पाती है रात को। वो कहती बहन जी मैं तो सो नहीं पाती हूँ ना रात को दीदी, क्या करूँ, मुझे तो करना ही है। मैं ये मुझ छुपा नहीं सकती, क्योंकि वो एक क्लोज कम्युनिटी में आप जी रहे हैं। और अरे भाई उस गांव में मेरे से लोग पूछते हैं ना, जिन गांव में महिलाएं सशक्त हैं, जहाँ पे इनपुट्स डाले गए हैं, हमारी जैसी बहुत ऑर्गेनाइजेशन हैं, मैं तो अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँगी, वो उस गांव में सवाल ही नहीं तुम्हें गंदगी दिख जाए, सवाल ही नहीं है कि नालियाँ गंदी हों, सवाल ही नहीं है कि बच्चे जो हैं वो मर रहे हैं और महिला को पता नहीं जी। सबको पता होता है। आज अगर उनसे पूछो तो उनको पता है कि तीसरे घर में कल रोटी नहीं पकी थी, वहाँ दाल में नमक भी नहीं था। इस देश में किसको पता है जी? हमारे देश में भूख, हमारे हंगर के जो आंकड़े हैं ना, हम वर्ल्ड में लार्जेस्ट हंग्री पीपल इन द वर्ल्ड लिव इन इंडिया स्टिल टुडे। इसे कौन ख़त्म करेगा जी? कौन ख़त्म करेगा इसे? मैं इसलिए नहीं कह रही क्यों करके मैं ये कैंपेन चला रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक ही समाधान है इस देश में, महिला की लीडरशिप को आगे लाना है जी, उसे सशक्त करना है, उसे बढ़ावा देना है, उसके लिए पॉलिसी सिस्टम्स प्रोसेसेस स्ट्रक्चर्स खड़े करने हैं कि वो इफेक्टिव हो जी। एक हमारी एक कैंपेन है, एक काम है, एक स्ट्रैटेजी जिसे हम शब्द यूज़ करते हैं, वो ये है एनेबलिंग एनवायरनमेंट जी। हाउ डू यू प्रोवाइड एनेबलिंग एनवायरनमेंट टू हर कि मीडिया उसके बारे में लिखे, कहानी लिखे उसकी, रोल मॉडल, सक्सेस स्टोरी जो दूसरों के लिए भी इंस्पायर इंस्पिरेशन बने। कितनी देर ना हम लोग यही कहते रहेंगे खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी, है ना? अब सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप कहाँ है चाहिए? आज के लीडर सेंचुरीज गुजर गई, हमने लीडर ही नहीं प्रोड्यूस किए, क्यों करके हमें उन्हें घरों में घुसा दिया। हाँ, है ना, मार पीट, उनको खाना पीना नहीं देना, भ्रूण हत्या, ये सब कुछ। लेकिन अगर उसे 70% लोग तो गांव में रहते हैं, अगर उसे इस लेवल पे महिलाएं पूरी तरह जुझारू स्ट्रांग जुझारू और वो आती हैं और वो ये सब एक नक्शा बनाती हैं, वो 5 साल का, ऐसे नहीं है कि बैठ गई और ऐसे ऐसे कर दिया पार्लियामेंट, ऐसे नहीं है। वो आती हैं, सुबह निकलती हैं, घर का पूरा काम करती हैं, नाश्ता बनाती हैं, बच्चों को स्कूल भेजती हैं, पति को काम पे भेज के तैयार गांव का दौरा करने।
ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और 5 साल का पूरा हमारी ट्रेनिंग में उनको सिखाया जाता है कि आपने 5 साल में क्या करना है। आज चुन के आई हो, हम पहले साल ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं, दूसरे साल उनकी फॉलोअप, फिर उनकी फेडरेशंस बनाते हैं, यूनियंस बनाते हैं, वो यूनियन फ्रॉम आई टू वी एक कैंपेन शुरू करते हैं, आई टू वी अनेबलिंग एनवायरनमेंट, आसपास आसपास कौन से लोग हैं जो उन्हें सपोर्ट करें, लोकल गवर्नमेंट जी, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिशियल्स, मीडिया जी, स्ट्रक्चर्स, और अगर कोई लोकल कंपनीज हैं, लोकल वहाँ काम करती हैं जिनकी फैक्ट्रीज लगी हैं, वो क्यों नहीं इनमें इन्वेस्ट करते हैं जी? उन्हें समझ ही नहीं है। अगर उनसे जाके मैं बात करती हूँ कि अच्छा अच्छा आप किसके लिए पैसा चाह रही हैं, आप क्या करेंगी, तो मैं कहती हूँ पंचायत की महिलाओं को ट्रेन करेंगे, सशक्त करेंगे, वो बच्चियों को स्कूल भेजेंगी, साफ पानी लाएंगी, वो स्वास्थ्य पे काम करेंगी, वो कुपोषण पे काम करेंगी, वो फॉडर लाएंगी घर में, वो क्लाइमेट के ऊपर, वो वन दे लुक एट मी महिलाएं गाँव की, वो तो बेवकूफ़ होती हैं, उनको क्या पता है मैडम। ये अभी परसेप्शन में सुधार की जरूरत है, मेजर मेजर जी, ये थिंकिंग अभी तक वही है। आज भी लोग मुझसे पूछते हैं, अरे वो उनके पति आते होंगे मीटिंग्स में प्रॉक्सी, मैंने तो आज तक प्रॉक्सी नहीं देखी जी, सच पूछो तो, ना ही मेरी टीम ने, मेरी टीम तो महीने में 20 दिन गांव में होती है जी, घूम रही होती है, ठीक है, उनसे पूछो किसी से, वो कहते हैं सवाल ही नहीं उठता, पता नहीं कहाँ कैप्सूल्ड हो गया माइंड कि वो प्रॉक्सी हैं, उनके पति आते बेटे आते, आने नहीं देती हैं महिलाएं। अब वो बदलाव आ चुका है और हमें टोटली ये हमें कहना है, ये हमें टेबल पे रखना है कि वो महिला अपने हस्बैंड को कहती है कि तू, मैं कल ही सुन के आई हूँ कि आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करूँगी, मुझे पता है क्या करना है जी, ये मेरी कंस्टिट्यूएंसी है हाँ। ये मुझे पता है क्या करना है, मैंने ये करना है, आप नहीं सुझाएंगे मुझे। और अगर उस गाँव में कोई प्रस्ताव है जो, क्योंकि अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है, अब तो पढ़ी लिखी महिलाएं आ रही हैं, बहुत बढ़िया है, अगर नहीं है तो घर जाती हैं उस पूरे प्रपोजल को, जो प्रस्ताव होता है, बेटे से पढ़ाती है, चुप करके बैठ के सुनती है, पढ़ के सुनाओ मुझे क्या है, हस्ताक्षर नहीं करती है, अच्छा साइन नहीं करती है, शी इज नॉट अ मोहरा। अगर इस देश में आज लीडरशिप में कोई मोहरा नहीं है तो पंचायत की महिला है। अब वो बदल चुका है जो परसेप्शन, अरे वो कहाँ क्या बात कर रही हैं आप 1999 की बात कर रही हैं, मैं 2019 में बात कर रही हूँ, जहाँ ना तो बेटे, ना तो पति, ना तो ससुर, सवाल ही नहीं उठता, धड़ाधड़ ट्रेनिंगों में महिलाएं आती हैं। 2001 में हम 30 महिलाओं की ट्रेनिंग के लिए एक कमरा भर रहे थे, आज गांव-गांव में वेटिंग लिस्ट है, हंग प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग कब यहाँ आएगी। तो वही बाप, वही भाई, वही पति जानना चाहता है कि उसकी जो वाइफ है या माँ है या बेटी है, वो ट्रेनिंग कहाँ हो रही है, कब भेज सकता है जी, क्यों कर रहा है, मैं बता रही हूँ तुम्हें क्यों कर रहा है। और इस देश को ये जानना चाहिए कि वो क्यों कर रहा है जी। वो इसलिए कर रहा है क्यों, करके उसने ये देख लिया कि जब ये गवर्नेंस में, पॉलिटिक्स में आई है, तो गांव में सुधार विजिबल है जी, दिख रहा है। ये नहीं कि आंकड़े वहीं खड़े हैं हाँ, ऐसा नहीं है, आंकड़े वहीं नहीं खड़े हैं, चेंज आ रही है जी। कौन सा बाप नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी पढ़े, कौन सा बाप नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे को रात को रोटी मिले या दूध पीने को मिले, हर कोई चाहता है, हर किसी की इच्छा है कि वो आगे जाए जी। अगर उनको दिखता है कि मीडियम वेमेन पॉलिटिकल लीडर्स हैं, तो वो मीडियम है और वही एक मीडियम है। मुझसे पूछो तो मैं कहूँगी कि ऊपर के लेवल पे असेंबली में, पार्लियामेंट, रिजर्वेशन करो, देखो तुम किस तरह से बदलाव आएगा, अदरवाइज तो ये आने नहीं देंगे भाई, आने ही नहीं देंगे ये लोग तो, पॉलिटिक्स ये बिल्कुल फाड़ देंगे, टेबल पे चढ़ जाते हैं ये लोग तो, पॉलिटिक्स में कहाँ से आने देंगे, इट्स सच ए ह्यूज इश्यू ऑफ पावर। Unfortunately, it is not an issue of development, it is an issue of power. जिस दिन इस देश ने ये समझ लिया कि इस देश को develop होना है, इस देश को आगे जाना है, इस देश को उन आंकड़ों में दिखना नहीं है 129,
150 में से 129 आंकड़ों में बैठा हुआ है नीचे, भूख और कुपोषण में। जिस दिन इस देश ने ये समझ लिया कि इसे ऊपर जाना है, उस दिन ये देश ये भी समझेगा कि वो कौन करेगा जी, क्योंकि महिलाएं ही जब वर्कफोर्स में होती हैं, नेतृत्व में होती हैं, वही देश तरक्की के झंडे गाड़ते हैं, वही आगे जाते आप हैं। देख लीजिए महिलाओं को पीछे रख के, आप नॉर्वे को देखिए, स्वीडन को देखिए, आप फिनलैंड को देखिए, मैंने तो उन देशों में काम किया हुआ है, आप वहाँ देखिए, वहाँ महिलाएं जो हैं वो पार्लियामेंट में उनकी 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 परसेंटेज देखिए, और वहाँ देखिए वो किन किन बातों पर काम करती है। उनकी महिला को लीडरशिप को प्रैक्टिस करने के लिए हर एक एफर्ट की जा रही है जी, हर एक एफर्ट की जा रही है, जो कि आज की देश डेट में हमारे देश में नहीं हो रहा है। और ये महिलाएं जिस दिन पार्लियामेंट में असेंबलीज में आ गई ना, आप देखिएगा उस दिन मुद्दे क्या होंगे, असली मुद्दे, उस दिन असली मुद्दों की बात होगी, उस दिन उस देश की बात होगी जिस देश में रियल वुमेन रोल मॉडल्स विल बी विजिबल जी ऑल देयर एंड द गर्ल्स विल फॉलो दैट। क्योंकि ये बहुत सारे आंकड़े बताते हैं कि जहां महिलाएं काम करती हैं वहां भ्रष्टाचार कम होता है, वहां प्रशासन बहुत अच्छा होता है, वहां सुशासन होता है, वो दिख रहा है ना जी। आप उन कहानियों को देख लीजिए, हम ही प्रोवाइड कर देंगे ना आपको, आपके ये 100 कहानियां मैं कल दे दूंगी तुमको जी, कल आज नहीं, आज भी दे दूंगी जी, हमारे पास है, हमारी उनको हमने अंकित किया हुआ, लिखा हुआ, उनको एनालिसिस किए हुए हमारे हमारे पास वो आंकड़े हैं कि जहाँ पे महिलाओं की ट्रेनिंग की गई, महिलाएं चुन के आई, वहाँ कितने स्कूल बने, कितने टॉयलेट्स बने, कितनी बच्चियाँ स्कूल जा रही हैं, कितने कुपोषित बच्चों को अस्पताल ले जाए, वो पूरे आंकड़े हैं जी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह कहते हैं कि विधानसभाओं में हम देखें, संसद में देखें, तो उन जब वो MLA चुन के आते हैं, MP चुन कर आते हैं, तो उनको बकायदे एक सैलरी और भत्ता मिलता है, लेकिन इस तरह के कई चैलेंजेस जो पंचायत में महिलाएं वो फेस करती होंगी, उन्हें इस तरह की सुविधाएं या फाइनेंशियल असिस्टेंट कुछ नहीं मिलता, फिर भी वो बेहतर कर रही हैं, अब तो क्या आपको कोई समाधान दिख रहे हैं कि वो किस तरह से और अच्छा परफॉर्म करें? अभी बिहार में पंचायत राज के मिनिस्टर आए हुए थे मीटिंग में, मैं थी वहाँ पर मीटिंग में, तो महिलाओं ने ये सवाल बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जो आप पूछ रही हैं, उन्होंने कहा हमें भत्ता दिया जाए भाई, हम बस करती हैं, हम अपने घर से निकलती हैं, वो अपनी कार में बैठ के सनग्लासेस पहन के पार्लियामेंट में नहीं जाके बैठती, वो अपने गांव से चल के मेन सड़क तक आती है जो 2 किलोमीटर होता है, धूप में, सर्दी धूप में या कड़क सर्दी में, और फिर वहाँ बस का इंतजार करती है, फिर बस का भाड़ा देती है, फिर बस से उतरती है, फिर वहाँ से कुछ रिक्शा करती है या पैदल जाती है जहाँ पे उसकी मीटिंग है, जहाँ उसे बुलाया गया है, उसका कोई सिस्टम से उसको कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस है नहीं। भत्ता बिहार के पंचायत राज मिनिस्टर ने बोला कि उसे 500 करेगा उनके भत्ते को, लेकिन वो अगले दिन अखबारों में आ गया, क्यों करके उन्होंने कहा मैं कोशिश करूँगा, है ना, कह देना। महिलाएं उससे बाग बाग हो गई कि हमें हमारा भत्ता बढ़ जाएगा, हम तो ये तो बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं और उनके लिए बहुत बड़ी हैं, क्योंकि उनको तो बकायदा पेंशन तक मिलती है। अब आप एक बार MP बन गए, आप एक बार MLA मिल गए, जिंदगी भर आपकी पेंशन है, लेकिन वो महिलाओं का क्या जो चुनकर भी आ रही है 5 साल के बाद, हाँ 5 साल के, एक तो 5 साल में थक जाती हैं वो इतनी, क्यों करके वो खर्चे कहाँ से अपने निकालेंगी, वो भी अपने कैपेसिटी से डबल काम करती है जी, बढ़ के घर भी चलाना, आदमी की तरह सुबह शेव करके तो निकल नहीं जाना, रोटी भी पकानी है, खेत में भी जाना है, पंचायत भी देखनी है, है ना, उसने तो इतना कुछ करना है। आप सोचो कि अगर इतना वो कर सकती हैं सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद जी, तो अगर पॉलिसी स्ट्रक्चर सिस्टम प्रोसेसेस उसको सपोर्ट करेंगे तो मतलब कहाँ का कहाँ देश पहुँचेगा। और 10 सालों में ये कोई पंचायत राज को आए हुए कोई 50 साल नहीं हुए, नहीं हुए जी। तो इससे पहले कि हमें अपनी चर्चा का को कंक्लूड करें, आपसे आखिर में मैं जानना चाहूँगी, आप इतने सालों से इस प्रोजेक्ट पर और इस वुमेन लीडर्स इन पंचायत राज पर आप काम कर रही हैं, कई सालों का आपका अनुभव है, बहुत कई राज्यों में आप घूम चुकी हैं, आपने देखा है कि महिलाओं की क्या स्थिति है, उनके सामने क्या चैलेंजेस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होंगे और
उनके समाधान क्या हैं, कहाँ से प्रशासन से, गवर्नमेंट से, केंद्र से, राज्यों से किस तरह की मदद मिलेगी? पंचायत राज में जो महिलाएं हैं उनकी उपस्थिति अच्छी तो हो रही है, लेकिन उनको जो भी चैलेंजेस का, चुनौतियों का सामना कर रही हैं, उनको उनके समाधान मिले। देखिए, पहली बात मेरी जो मेरी समझ में आता है, सरकार को पंचायत राज को लेके एक स्टेटस पेपर, एक विजन, एक मिशन बनाना है जी, बड़ी क्लियरली। एक नेशनल लेवल पे इंस्टीट्यूशन बनानी पड़ेगी, प्रमोटिंग वुमेन्स लीडरशिप इन गवर्नेंस, जो इस देश में नहीं है, जो मेरा सपना है जी। मैं तो 60 साल की होगी जी, अब ये तो पूरा पता नहीं कब होगा, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन जिसमें ना कि ये पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाए कि जब महिला चुन के आती है उसकी ट्रेनिंग पहले साल में हो जाए जी। महिला चुन के आ गई, 4 साल तक मध्य प्रदेश में ट्रेनिंग ही नहीं हुई, सरकार ने किसी को मालूम ही नहीं है कि वो चुन के आई है, उसकी ट्रेनिंग करनी है, तो समय पर ट्रेनिंग जी, एक इंस्टीट्यूशन जो उनकी एंकरिंग करे, हाँ, जिसको वो बिलोंग करे। हंगर प्रोजेक्ट तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ, है ना, वी आर नॉट एन इंस्टीट्यूशन विच इज एट अ नेशनल लेवल होल्डिंग हैंड, है ना। जब हम लोग भी पढ़े थे, जब हम लोग यूनिवर्सिटीज गए, जब हमारी एक जी, एक हमारे पीछे बहुत बड़ी सोच थी जिसको लेके हम लोग आगे, इन महिलाओं के पीछे तो अभी वो सोच नहीं है। सो इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए जहाँ या बिल जहाँ इनकी एडवांस ट्रेनिंग हो, जहाँ पे उनके राइट्स को लेके, राजनीति को लेके, भारतीय एडवांस ट्रेनिंग हो। हम लोग तो जाते हैं ना, हम लोग जाते हैं, हमारे ये पार्लियामेंटेरियंस हार्वर्ड जाते हैं, यू नो ऑक्सफोर्ड जाते हैं, ससेक्स जाते हैं, LSE जाते हैं, बाहर देश से जाते हैं। ये महिलाएं तो दिल्ली भी कभी नहीं आती हैं, कहाँ है, वेयर इज दैट नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोटिंग वुमेन्स लीड पॉलिटिकल लीडरशिप इन गवर्नेंस है ही नहीं। पंचायत राज में तो खासतौर पर वो तो जहाँ जरूरत है वहाँ तो सबसे ज्यादा मिसिंग है, तो खत्म ही हो गया ना, है ही नहीं, है ही नहीं है। तो फिर पॉलिसी को लेके महिलाओं के ऊपर ये लगाए जाते हैं कि अगर आपके गांव में आप टॉयलेट नहीं है तो आप कॉन्टेस्ट नहीं कर पाएंगे इलेक्शन, अगर आप 10th पास नहीं है तो आप इलेक्शन नहीं, ऐसी ऐसी बातें जो उनके सामने आती हैं जिनमें उनका कोई विचार, वो अपने आप से तो अनपढ़ नहीं रही जी, उनको सिस्टम ने ही पढ़ने नहीं दिया, अपने आप से तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे घर में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, उनके परिवार ने ही टॉयलेट नहीं बनाया, तो उनको क्यों डिबार किया जाए इलेक्शन लड़ने से। तो पॉलिसी लेवल पे इन सब चीज़ों को देखना, तो ये पॉलिसी, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल एलोकेशन, बजट बनते हैं, क्यों नहीं सोचा जाता? आपके पास 1.4 मिलियन महिलाएं हैं पंचायतों में, आप कहिए इतनी बड़ी तादाद में महिलाएं जीत के आई हैं, उनको आपने सशक्त करना है, स्ट्रॉन्ग लीडर बनाना है, 5 साल उन्होंने काम करना है, तो इन 5 सालों में उन्हें क्या रिसोर्सेज चाहिए जी? क्या उनके पंचायत घर हैं? कोई बारिश में पेड़ के नीचे बैठ के काम कर रही है, ऑफिसर्स भी नहीं है, सवाल ही नहीं उठता। तो ये सारी चीजें एक पर इसके ऊपर ना एक सोच, पहले पुख्ता सोच चाहिए जी, फिर उस सोच के अंदर वन बाय वन इंस्टीट्यूशनल क्या होगा, स्ट्रक्चरल क्या होगा, प्रोसेस क्या होंगे, कौन जुड़ेगा, किस लेवल पे जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, वो एक पूरा जिसको कहते हैं ना वाइट पेपर, वो तैयार होना चाहिए, वो नहीं है। मेरी सबसे बड़ी सबसे बड़ा सपना वो है कि वो होना चाहिए, और फिर वो महिलाएं जब कहते हैं ना कि वो महिलाओं को जब कहीं प्रॉब्लम होती है तो फट से दे शुड नो कि वो हमारी इंस्टीट्यूशन है, हम वहाँ पे जाके बात कर सकते हैं कि हमारे साथ ये ठीक नहीं हो रहा, हमें ये चाहिए, हमें ये करना है। महिलाओं को ये पता होना चाहिए कि उनके साथ कौन खड़ा है, और किस तरह से स्ट्रांग खड़ा है। सो ये अभी इस देश में होना बाकी है। तो महिलाओं को पता होना चाहिए कि उनके साथ कौन खड़ा है, कौन सा ऐसा सरकार की ओर से इंस्टीट्यूशन है जो उनकी ट्रेनिंग करे, उनकी ग्रूमिंग करे, वक्त पे ट्रेनिंग करे, उनकी ग्रूमिंग करे, उनके साथ खड़ा रहे, काम को बढ़ावा, इज्जत और उनके काम को दिखाया जाए जी। देश की डेवलपमेंट में जो आंकड़े हैं वो उन्होंने उसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन की है जी, वो मिसिंग है, कहीं दिखता ही नहीं है।
हमारी जैसी संस्थाएं तो करती हैं, हम तो बहुत मेहनत करते हैं, हम तो यही करते हैं, और कोई कुछ भी कहेगा हम यही करते रहेंगे कि आप ये कर लीजिए, आपको 200 मिलियन डॉलर मिल जाएगा, आप तो कर लीजिए ना भैया। पंचायत में वुमेन्स पॉलिटिकल लीडरशिप एट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ गवर्नेंस। और कैसे ये ऐसा संभव हो पाए, क्या सॉल्यूशन हो, क्या समाधान हो कि जो पंचायतों में चुन के महिलाएं आई हैं वो विधानसभा और संसद तक भी पहुंचे, जो अभी हम नहीं देख रहे हैं, जो अभी नहीं दिख रहा है जी, पर वही है फ्यूचर इस देश का। हाँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया रीटा सरीन जी, कंट्री हेड द हंगर प्रोजेक्ट, हमसे महिलाओं की पंचायत राज में उपस्थिति पर, उनके रिप्रेजेंटेशन पर चर्चा करने के लिए। तो जैसे हमने चर्चा की कि हमारा जो असली भारत है वो गांव में बसता है, और जब महिलाएं वहाँ लीडरशिप में आ रही हैं तो उनको जो जो उनकी टूल्स चाहिए, जो उनके वेपन्स चाहिए सिस्टम में अच्छा और परफॉर्म करने के, बिना किसी रिसोर्सेज के वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से वो मुहैया कराए जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए। हमारा जो पंचायत राज सिस्टम है, जिसमें आपने बात की कि इंटरनेशनल लेवल पर भी महिलाओं को जिस तरह से रिप्रेजेंटेशन दिया, उसकी चर्चा तो बहुत हुई, लेकिन उसके कई चुनौतियां भी हैं, उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और फिर मुलाकात होगी एक नई वुमेन लीडर के साथ, और हमारी ये सीरीज़ जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।